हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ईडी क्या होता है और ईडी की डिग्रीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल निकालने भी सीखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट थर्ड। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे आज वाले टॉपिक में कि जो ईडी होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं। तो आपको पहले बता दूं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी इसकी डिग्री ईडी की, तो पता होगा कि ईडी जो होता है वो मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है और ईडी जो मिनिमम होता है वो होता है जीरो, और अगर मिड की बात करें तो ईडी होता है वन, और इससे ऊपर की बात करें तो ईडी इज ग्रेटर देन वन एंड ईडी इज लेस देन वन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ईडी इन पांच कैटेगरी में आता है, लेकिन उनके डायग्राम क्या होंगे आपको एक सिंपल तरीका देता हूँ इनके शेप बनाने का। आपने क्या देखा होगा, फर्श देखा होगा, फर्श, ठीक है, या आप सीढ़ी ले सकते हैं। एक सीढ़ी ऐसे लगी हुई है और एक सीढ़ी ऐसे है, किस इसको मैं ए नाम देता हूँ, उसको बी नाम देता हूँ। किस पे चलना आपको क्या होगा आसान होगा, ए पर या बी पर? तो मेरे हिसाब से तो आपको चलना आसान होगा ए पर, और बी पर उतना ही क्या होगा कठिन होगा, जस्ट बिकॉज ये बिल्कुल वर्टिकल है और ये क्या है हॉरिजेंटल है। तो इसी हिसाब से इसको दिमाग में रखते हुए हम इसके डायग्राम बना सकते हैं। कैसे? आपको याद रखना है कि जो ईडी इन्फिनिटी है उस पर चलना सबसे आसान होगा सीढ़ी पर, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाना है। तो इसका डायग्राम समथिंग कुछ ऐसा होता है ईडी, और जीरो वाले का सबसे कठिन होता है, तो इसके लिए उसका डायग्राम आपको कैसा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया किसका, इन्फिनिटी का, और इसका क्या हो गया है वर्टिकल हो गया है। अब बात आ रही है किसकी, ईडी इज इक्वल टू वन, तो आपको ध्यान रखना ना तो वो वर्टिकल हो और ना ही वो हॉरिजॉन्टल हो, तो एक मिड शेप में दे देंगे हम उसको ये, दिस इज ईडी। हमने तीन डायग्राम समझ लिए यहाँ पर, किसका, ईडी इन्फिनिटी का, ईडी जीरो का, जीरो मतलब क्या होता है इनइलास्टिक, और इन्फिनिटी मतलब परफेक्ट इलास्टिक, और ईडी इज इक्वल टू वन मतलब यूनिटरी, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही किस में चेंज आ रहा है डिमांड में चेंज आ रहा है। अब बात आ रही है यहाँ पर दो डायग्राम और आ रहे हैं, ईडी इज ग्रेटर देन वन एंड ईडी इज लेस देन वन। तो इनके डायग्राम में आपको यहाँ बताता हूँ, पहले ईडी इज ग्रेटर देन वन, देखो ग्रेटर देन वन का मतलब है कि ईडी आपका यहाँ से चेंज होते हुए धीरे 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 कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें, परफेक्ट इलास्टिक में। तो ये मूव हो रहा है ऐसे करके और धीरे धीरे यू बन जाएगा, तो आपको क्या करना है इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा क्या करना है, शेप को चेंज कर देना है। सो जस्ट लाइक दैट, दिस इज अवर पी एंड क्यू, दिस इज पी वन, दिस इज क्यू वन एंड दिस इज डी डी, ठीक है। तो ये जो शो करेगा ये हमारा शो करेगा ग्रेटर देन वन को, और अगर मैं लेस देन की बात करूँ तो उसका मैं यहाँ बनाता हूँ, एक सिंपल बनाया अपने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जीरो। अब आपको पता है कि ये एक वाला धीरे धीरे कन्वर्ट होके जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ये जीरो है और ये क्या है इन्फिनिटी है, और ये क्या था वन, अब ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है कुछ ऐसी शेप ला देनी है, दैट्स इट, ये बन गया हमारा ईडी इज इक्वल टू लेस देन वन, ठीक है। ये पांच डायग्राम ऐसे याद करने के लिए आपको रखने हैं, मैंने सिंपल एक लॉजिक दिया है, वैसे तो डायग्राम की शेप याद करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बोला एक सीढ़ी लेते हैं, अगर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो परफेक्ट इलास्टिक है, अगर वर्टिकल है तो परफेक्ट इनइलास्टिक है, और अगर ऐसे में है तो इट इज़ ग्रेटर देन वो इक्वल टू वन, उसके हिसाब से हम एक ग्रेटर देन का बना लेंगे और लेस देन का। तो ये सिंपल है, आप बुक में देख सकते हैं कैसे बनाए, हिसाब से आप याद रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का वो है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज करते हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा, ठीक है। अब ये किस बेसिस पर डिपेंड करता है कि किसी के प्राइस में चेंज होने पर उसकी डिमांड में क्या हो चेंज आए। तो पहली चीज़ आ रही है यहाँ पर नेचर ऑफ कमोडिटी। आपको मैं बता दूँ इस बेसिस पे कि ईडी या तो क्या होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी। ईडी इज इक्वल टू जीरो, प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब
जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट ना इलास्टिक, और इसका मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक। फिर उसके बाद आता है यूनिटरी, यूनिटरी मतलब वन। इसका मतलब क्या होता है, जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज आना, ठीक है। और उसके बाद लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। तो वही समझते हैं हम। सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। देखिए हम डेली नीड्स पर जो वस्तुओं को यूज़ करते हैं, जो कमोडिटी को यूज़ करते हैं, वो दो तरह की होती है। एक तो नेसेसिटी वाली, बहुत ज़रूरी वाली, और एक ऐसी होती है लग्जरी या कंफर्टेबल पहुंचाने वाली। जस्ट एग्जांपल के लिए पानी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर पानी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्या पानी पीना बंद कर देंगे? ध्यान से सुनना, अगर पानी के प्राइस में चेंज आ रहा है, पानी महंगा हो जाए, तो हम पानी पीना कम तो नहीं कर देंगे ना। तो इस केस में प्राइस में तो चेंज आया लेकिन हम डिमांड में चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेसेसिटी गुड्स में हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। और वहीं अगर वो गुड्स कंफर्टेबल पहुंचाने वाला लग्जरी गुड्स होगा, तो अगर जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, इनके प्राइस में कम ज़्यादा आता है, मतलब प्राइस कम ज़्यादा होता है, तो हम डिमांड क्या कर देंगे, उसकी बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेसेसिटी एंड कंफर्टेबल गुड्स आ सकते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। होता क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हमारी मेन वाली गुड्स का प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम बजाय उस गुड्स को करने के दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आप ही बताओ, आप कोक पी रहे हो और कोक क्या है, महंगी हो जाए, तो आप किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी पे, तो डिमांड क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। परफेक्ट इलास्टिक मतलब इलास्टिक होगी डिमांड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम लेवल। देखिए कुछ लोग होते हैं ज़्यादा इनकम वाले, ठीक है, अपर क्लास, और एक लोअर क्लास, पुअर फैमिली। अब अपर क्लास के लिए क्या होता है, प्राइस में चेंज आने पर ज़्यादा डिमांड चेंज नहीं होती। तो फॉर द अपर क्लास मीन्स रिच फैमिली, किसी भी कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक होती है, उनको प्राइस में चेंज होने से डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर पुअर फैमिली की बात करें, तो अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ जाते हैं तो वो उसकी डिमांड को चेंज कर देता है, जस्ट बिकॉज उसके पास सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ प्राइस, कीमत स्तर। नॉर्मली जनरली किसी क्या होगा, कीमतें ज़्यादा होंगी तो लोग क्या करेंगे, उसको कम ज़्यादा करेंगे, और कीमतें कम होंगी तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पोस्टपोन करना। देखिए होता क्या है, पोस्टपोन आपने वर्ड सुना होगा, स्थगित कर देना फ्यूचर के लिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आज ना करके हम फ्यूचर में खरीद सकते हैं। एग्जांपल के लिए आज हमें मटर पनीर बनाना है घर में, लेकिन नहीं हुआ रिसोर्सेज, तो हम कहेंगे आज बेसिक सब्जी बना लो, परसों नरसों बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हम चीज़ खाने वाले थे वो हमारे लिए क्या नेसेसरी नहीं थी, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है उसके प्राइस में चेंज होने पे पोस्टपोन कर दो उसे, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। लेकिन मान लो अभी तो आपकी फैमिली में किसी को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, और आज ही उसको ब्लड देना ज़रूरी है, तो आप खरीद के लाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं यार मैं ब्लड 3-4 दिन बाद ला के खरीद के ला के दूंगा समथिंग, नहीं ना। तो वहाँ पर मेडिसिन, ब्लड, ये सब इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर मांग जो होगी आपकी वो बेलोजदार होगी, मीन्स इनइलास्टिक होगी, ठीक है। वहाँ पर प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज नहीं कर सकते हम। उसके बाद नंबर ऑफ यूजेस, एक कमोडिटी के कई सारे यूजेस होते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर हम जमीन की बात करें, जमीन पर रहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और भी कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन महंगी होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक यूज़ करते हैं। अब मान लो इसके प्राइस में चेंज आ जाए, ज़मीन बहुत सस्ती हो जाए, तो फिर तो हम भैया फैक्ट्री भी लगाएंगे, खेती भी करेंगे, और क्या करेंगे, रहने के लिए भी यूज़ करेंगे, तो इसके यूजेस बढ़ जाएंगे। तो मतलब अगर प्राइस में चेंज आता है तो नंबर ऑफ यूजेस की वजह से यहाँ पर डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, डिमांड में चेंज आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही यूज़ होता है तो इनइलास्टिक या कम इलास्टिक। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है मेरी इनकम जितनी भी है या मेरे घर में जितना भी खर्चा होता है उसमें से एक माचिस भी आती है, और महीने की जो माचिस लग जाएंगी, मान लो 5 माचिस लग जाएंगी, 5 मैच बॉक्स माचिस आएंगी 5 रुपये की। तो क्या अगर मैच बॉक्स के प्राइस सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं उससे मेरा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस पर, डिमांड पे उसकी नहीं पड़ेगा। तो जो जिनका शेयर कम होता है एक्सपेंडिचर में उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, और जिनका शेयर ज़्यादा होता है महंगे वाले, ठीक है, उससे डिमांड इफेक्ट पड़ेगा। मान लो मैं रेंट पे रहता हूँ और मकान मालिक ने रेंट ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मैं तो फिर शिफ्ट कर दूंगा, या मैं
मान लो मैंने 3-4 रूम ले रखे हैं तो मैं 2 रूम छोड़ दूंगा, 2 रूम मैं ले लूंगा एग्जांपल के लिए, है ना। तो ऐसा होता है। तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर में छोटे वालों में इनइलास्टिक, बड़े एक्सपेंडिचर में इलास्टिक। हैबिट्स, अगर कस्टमर को किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो उसके लिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है, तब वो उसके प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज नहीं करता, ठीक है। वहीं अगर किसी को किसी की कमोडिटी की डिमांड में ज़्यादा हैबिट नहीं है तो थोड़े से भी उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, वो डिमांड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये था हमारा, जिसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करने थे कि क्या होते हैं और कैसे कैसे कब डिमांड इलास्टिक होगी, ग्रेटर इलास्टिक होगी या कम। और दूसरी हमने डिस्कस करी कि ईडी की जो 5 डिग्री है उनके डायग्राम क्या होंगे। याद रखने के लिए मैंने हिंट दिया, ट्रिक दिया, परफेक्ट इलास्टिक को मान लेना एक लेटी हुई सीढ़ी है, लेटी हुई हॉरिजेंटल, तो उस पर चलना सबसे आसान है, इसलिए वो परफेक्ट इलास्टिक। वर्टिकल है 0, ऐसे में शेप में है ना इधर का ना उधर का, 1। और फिर इनको देखा देखी बना दीजिए, मतलब कि ज़्यादा थोड़ा इसके पास, थोड़ा इसके पास, तो ग्रेटर देन और लेस देन बन जाएगा। तो वेल आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड मैं आपको की नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।